महिंद्रा ने कर दिया है आज तक का सबसे बड़ा धमाका। जी हाँ किसान साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, महिंद्रा ने आज तक का सबसे बड़ा धमाका इंडियन ट्रैक्टर मार्केट में कर दिया है, क्योंकि महिंद्रा लेकर आई है लग्जरियस फीचर्स और वो भी ट्रैक्टर में। जी हाँ, कंपनी ने ट्रैक्टर के नाम पर ट्रैक्टर नहीं बल्कि एक ऑटोमेटिक काम करने वाला रोबो लॉन्च कर दिया है। जितने फीचर्स आपको कोई फोर व्हीलर में नहीं मिलते या कोई कार में नहीं मिलते, उतने फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर में मिलने वाले हैं। अगर आप इस फीचर के बारे में जानोगे तो आप चौंक जाओगे। बिल्कुल सही, आपको चौंकाने वाले फीचर्स यहाँ पर महिंद्रा कंपनी आपके लिए लेकर आई है। और अभी हाल ही में कुछ ही दिनों के बाद इंडियन मार्केट में फिर से एक बार महिंद्रा किसान भाइयों के दिल पर राज करने के लिए तैयार है, क्योंकि किसान साथियों महिंद्रा लेकर आया है ओजा सीरीज, OJA ओजा। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है और कौन कौन से ढांसू फीचर यहाँ पर कंपनी ने किसान साथियों के लिए लेकर आई है, ये सब हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। 20 HP से लेकर 40 HP तक आपको इस सीरीज में ट्रैक्टर मिलने वाले हैं। इंडियन मार्केट में आज तक कोई भी कंपनी ने इतने ज़्यादा फीचर्स वाला ट्रैक्टर आज तक लॉन्च नहीं किया है। कुबोटा स्वराज टारगेट को ये ट्रैक्टर अभी टक्कर देने वाला है। उसके साथ ही मैसी फर्गुसन 628 को भी ये ट्रैक्टर जोरदार टक्कर देने वाला है। तो इस ओजा सीरीज में, ओजा पावर हाउस ऑफ एनर्जी, इस सीरीज में आपको कौन कौन से मॉडल्स मिलने वाले हैं, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहिएगा। बीस एच पी से लेकर 40 एच पी तक महिंद्रा ने ओजा सीरीज में ट्रैक्टर लॉन्च कर दिए हैं। तो इसमें पहला ट्रैक्टर आता है महिंद्रा ओजा 2121, यह ट्रैक्टर 21 एच पी की कैटेगरी में आता है। दूसरा ट्रैक्टर है महिंद्रा ओजा 2124, यह ट्रैक्टर 24 एच पी की कैटेगरी में आता है। तीसरा ट्रैक्टर है महिंद्रा ओजा 2127, यह ट्रैक्टर 27 एच पी की कैटेगरी में आता है। उसके बाद महिंद्रा ओजा 2130, यह ट्रैक्टर 30 HP के कैटेगरी में आता है। उस पाँच नंबर में जो ट्रैक्टर है वो है 3132, यह आता है 32 HP कैटेगरी में। छठवां जो ट्रैक्टर है वो आता है 3136, यह ट्रैक्टर आता है 36 HP के कैटेगरी में। और लास्ट में आने वाला ट्रैक्टर है 3140, यह ट्रैक्टर ओजा सीरीज का सबसे बड़ा ट्रैक्टर है, यह आता है 40 HP के कैटेगरी में। तो कौन कौन से ट्रैक्टर में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। तो महिंद्रा ओजा लेकर आई है आपके लिए 13 ढांसू फीचर। पहला जो फीचर्स आपको मिलने वाला है वो है रिवर्स फॉरवर्ड शटल गियर। जी हाँ, रिवर्स फॉरवर्ड शटल गियर, इसमें आपको 12 गियर फॉरवर्ड और 12 गियर रिवर्स में मिल जाते हैं। दूसरा फीचर से नैरो ट्रैक व्हील। तो इस फीचर्स में हम अपने ट्रैक्टर को कम जगह में टर्न कर सकते हैं, इससे हमारे ट्रैक्टर का जो टर्निंग रेडियस है वो कम हो जाता है। तीन नंबर पर आने वाला फीचर से टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग, ऐसी स्टेयरिंग जिसे आप अपनी हाइट या अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चार नंबर पर आने वाला फीचर से ऑटो स्टार्ट बटन, यहाँ पर आप चाबी को भूल जाओ, बस एक बटन दबाकर आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। पांच नंबर पर आने वाला फीचर से क्रीपर गियर, इस गियर की मदद से ट्रैक्टर की फॉरवर्ड और रिवर्स स्पीड घटाकर हम 3 किलोमीटर पर हावर्स कर सकते हैं, जिससे हम कोई भी सीडर मशीन या कोई भी मल्चिंग बिछाने जैसे जो इम्प्लीमेंट है इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। छः नंबर पर आने वाला जो फीचर से EPTO, इलेक्ट्रॉनिक PTO बटन, जिसकी मदद से PTO ऑटोमेटिकली एंगेज और डिसएंगेज होगा। और इस ट्रैक्टर में
जो पीटीओ लीवर है, इस लीवर को हटा दिया गया है। बस बटन के मदद से आप इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। सातवें नंबर पर आने वाला जो फीचर है वो है जीपीएस ट्रैक लाइव लोकेशन। इस फीचर की मदद से हम कहीं से भी अपने ट्रैक्टर का लाइव लोकेशन जान सकते हैं अपने मोबाइल पर। और आठवें नंबर पर आने वाला फीचर से ऑटो इंप्लीमेंट लिफ्ट। इस फीचर्स में आपको ऑटोमेटिकली डेप्थ एंड ड्रॉप कंट्रोल मिल जाते हैं, जमीन के अनुसार ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इसीलिए ड्राइवर को लीवर को ऊपर या नीचे उठाने की जरूरत नहीं है। जब ट्रैक्टर हम लीवर्स में लेते हैं अपना इंप्लीमेंट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है, और जब हम ट्रैक्टर को टर्न करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप जो हाइड्रोलिक लिफ्ट है वो ऊपर हो जाती है। मानिए हम कोई रोटावेटर चला रहे हैं और हमें ट्रैक्टर को टर्न करना है, उस वक्त जब हम ट्रैक्टर की स्टीयरिंग को जब टर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अपने हाइड्रोलिक इंप्लीमेंट है वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। नौ नंबर पे आने वाला फीचर है ऑटो पीटीओ ऑन ऑफ। स्प्रेइंग करते समय जब हम ट्रैक्टर टर्न करते हैं तब पीटीओ ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जब फिर से हम स्ट्रेट पोजीशन में ट्रैक्टर को लाते हैं तब फिर से ऑटोमेटिकली पीटीओ एंगेज होना शुरू हो जाता है, और जब हम रिवर्स लेते हैं तब भी पीटीओ ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है। तो इसमें हमारी स्प्रिंग वाली जो दवा है, बहुत सारी दवा हमारी बचने वाली है और हमारा फ्यूल भी यहाँ पर बचने वाला है। दसवें नंबर पर आने वाला फीचर है डीजल मॉनिटोरिंग। इस फीचर्स की मदद से हम डीजल की होने वाली चोरी को रोक सकते हैं। ग्यारहवा फीचर से इलेक्ट्रॉनिक क्विक लिफ्टिंग। इलेक्ट्रॉनिक क्विक लिफ्टिंग बटन के मदद से हम हाइड्रोलिक फास्ट उठा या गिरा सकते हैं। और 12वें नंबर पर आने वाला फीचर से फेंडर स्विच टू लिफ्ट इंप्लीमेंट। फेंडर पर लिफ्ट कंट्रोल स्विच मिल जाते हैं, तो अकेला एक इंसान ही आसानी से कोई भी इंप्लीमेंट जोड़ सकता है। 13वां और आखिरी फीचर से ऑटो वन साइड ब्रेक। जब हम ट्रैक्टर को टर्न करने लगते हैं तब सिंगल ब्रेक ऑटोमेटिकली वर्क करना शुरू कर देता है। इससे हमारा बहुत ही कम जगह में ट्रैक्टर मुड़ जाता है, टर्न हो जाता है, और इससे ट्रैक्टर का टर्निंग रेडियस भी कम हो जाता है। तो इस ओजा सीरीज में आपको बेसिकली 20 HP से लेकर 40 HP तक 7 मॉडल मिल जाते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा धमाका करने वाला मॉडल रहेगा ओझा 21-27 HP का ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर टक्कर देगा कुबोटा 20-27-41 को और मैसी 60-28 और स्वराज टारगेट को। तो आज हम डिटेल्स में जानेंगे कि ओझा 21-27 के बारे में कब तक यह ट्रैक्टर इंडियन मार्केट में मिल पाएगा और कितने रेंज प्राइस में यह ट्रैक्टर आपको मिलने वाला है। यह ट्रैक्टर अक्टूबर में इंडियन मार्केट में लाया जाएगा और अक्टूबर या नवंबर से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। इस ट्रैक्टर की प्राइस हो सकती है 5,64,000 से लेकर 5,80,000 तक। यह ट्रैक्टर फुली फीचर्स लोडेड ट्रैक्टर है। फिर भी हम फीचर्स के बारे में और उसके इंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसकी इंजन पावर आपको मिलने वाली है 20.5 किलोवाट यानी कि 27 HP, और इस ट्रैक्टर में आपको टॉर्क मिलने वाला है 83.4 न्यूटन मीटर। पीटीओ पावर है इसका 17 किलोवाट मतलब 22 HP। यह ट्रैक्टर का इंजन 2700 रेटेड RPM पर वर्क करता है। इस ट्रैक्टर में आपको मिलते हैं 12 गियर आगे के लिए और 12 गियर रिवर्स के लिए। इसमें 3 सिलेंडर इंजन आपको मिल जाता है। इसके रियर टायर साइज है 8.3x20 इंच, और इस ट्रैक्टर का जो गियर बॉक्स है कॉन्स्टेंट मैश गियर बॉक्स है, और इसका जो सेटल गियर है यह सेटल गियर आपको सिंक्रोमैस सेटल गियर में मिल जाता है, और इस ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी है 950 किलोग्राम। अगर हम इस ट्रैक्टर की खास फीचर्स की बात करें जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताए, तो 13 में से 12 फीचर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। पहला फीचर्स
रिवर्स और फॉरवर्ड शटल गियर। दूसरा फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक पीटीओ। तीसरा फीचर्स क्रिपर गियर। चौथा फीचर्स ऑटो इंप्लीमेंट लिफ्ट। पांच नंबर वाला फीचर्स ऑटो पीटीओ ऑन ऑफ। छठा फीचर्स टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग। सातवां फीचर्स पावर 3DI इंजन। आठवां फीचर्स ऑटो स्टार्ट एंड ऑफ बटन। नौवां फीचर्स GPS ट्रैक लाइव लोकेशन। 10 नंबर का फीचर डीजल मॉनिटोरिंग और 11वें नंबर का फीचर्स इलेक्ट्रॉनिक क्विक लिफ्टिंग और 12वें नंबर का जो फीचर्स है फेंडर स्विच टू लिफ्ट इंप्लीमेंट। इतने सारे ढेर सारे फीचर्स आपको इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस ट्रैक्टर के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।